रुक करेंगे पंजाब राउंडअप की ओर। पठानकोट में पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए नगर निगम ने महिला कॉलेज के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली। रैली में मौजूद सभी छात्राओं ने प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील के साथ ही स्वच्छता की कसम खाई। ब्लॉक समिति के चेयरमैन और उप चेयरमैन का शपथ ग्रहण समारोह अजानला से विधायक हरप्रताप सिंह की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान चेयरमैन हरपाल सिंह ने अपनी नियुक्ति पर खुशी जताई और लोगों की भलाई के काम करने की बात कही। पटियाला पुलिस ने एक निजी फाइनेंस बैंक के एटीएम से धोखाधड़ी कर 1 करोड़ की ठगी के मामले में 3 पुरुष और 2 महिलाओं को काबू किया। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 300 ग्राम से ज्यादा सोना भी बरामद किया। अमृतसर में प्रशासन की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से एक साइकिल सवार ट्रक से टकरा गया, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक के एक फैक्ट्री में काम करता था। नवरात्रों के आते ही बाजारों में रौनकी दिखाई दे रही है। आपको बता दें नवरात्रों की शुरुआत से पहले ही बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि इस बार जनता को चाइनीज से ज्यादा भारत में बना सामान पसंद आ रहा है। फिरोजपुर में मनरेगा कर्मचारियों ने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शनकारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर अड़े हैं। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान जत्थेबंदियों ने तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारी किसानों ने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के ऑफिस तक विरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अजनाला में गन्ना किसानों के लिए सहकारी शुगर मिल ने चौथी बार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में किसानों को बिजाई के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान किसानों ने सरकार को बकाया राशि देने की भी मांग की। कीर्ति किसान यूनियन ने कर्ज माफी नहीं होने पर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों पर 80,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें से मात्र 4500 करोड़ का कर्ज ही माफ हुआ। कोटकपुरा पुलिस ने चोरी की वारदातों में शामिल मां बेटे की जोड़ी को काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख से ज्यादा की नकदी और लाखों का सामान बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जलालाबाद में भूख हड़ताल पर बैठे पेंशनरों ने पंजाब उपचुनाव का बायकॉट करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उन्हें पेंशन नहीं दे रही, जिस कारण प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ रहा है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित प्रभात फेरियों की शुरुआत की गई। श्री केशगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने अरदास करके प्रभात फेरियों की शुरुआत की, जो श्री आनंदपुर साहिब क्षेत्र के पास लगभग 38 गांव में जाएगी। पिछले कई दिनों से विवादों में घिरे प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरदास मान ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में परिवार माथा टेका और साथ ही कीर्तन कर परमात्मा का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान गुरदास मान ने मीडिया से कई खास बातचीत नहीं की। फरीदकोट की भानसिंह कॉलोनी में बाइक सवार 3 युवकों ने एक महिला बैंक अधिकारी से 5 लाख की नकदी से भरा पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना पास की दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कार्रवाई की जा रही है। आनंदपुर साहिब के गांव गंगुवाल के पास 3 गाड़ियों आपस में टकरा गई। बता दें आपको, इसमें कार सवार समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत के चलते पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बरनाला पुलिस ने एक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को काबू कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए कई वाहन भी बरामद किए। इस गिरोह के 2 सदस्य पहले ही बरनाला जेल में बंद है और आगे की पड़ताल जारी है। शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर नकेल कसते हुए पठानकोट पुलिस के हाथ एक सफलता लगी। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 1 सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोर के पास से 9 बाइक भी बरामद की गई है। मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में एक चोर ने बड़ी सफाई के साथ मोटरसाइकिल उड़ा ले गया। आपको बता दें पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद किए।
सरपंच कांति मोहन के धरने के बाद फिलौर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं धरने पर बैठे सरपंच ने कहा कि जब तक बाकी आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता तब तक धरना जारी रहेगा। पंजाब राउंडअप में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।